सो आज के इस ताज़ा तरिंदा एपिसोड में हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्लावर डिजाइनिंग कलरफुल कैसे करें, कुछ इस तरह। सो आपके लिए वीडियो हो तो वीडियो को लाइक, एंड अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी कुछ इस तरह कलरफुल फ्लावर डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने फोटोशॉप को ओपन कर लीजिए। ओपन कीजिएगा, पहले से हमने डिजाइनिंग किया हुआ था जिसको इसको हम कट कर दे रहे हैं, फिर से आपको डिजाइनिंग करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कंट्रोल एन, कंट्रोल एन करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया है और 640 एंड 480 पेज पे क्लिक कर रहे हैं, इसको हम ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये पेज हमारा क्रिएट हो गया। अब चलिए इसमें हम थोड़ा डिजाइनिंग कर दें। डिजाइनिंग करने के लिए आपको करना ही होगा कि जो शेप यहाँ पे दिख रहा है शेप पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और ये गोला वाला शेप को ले लीजिए, कुछ इतना पे इसको ड्रॉ कर दीजिए। देख सकते हैं ये ड्रॉ इधर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको पेन टूल पे क्लिक करना है, सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर देना है, कवर पे। आप ऊपर दो बार टिक कीजिए, नीचे एक बार टिक कीजिए, शो। देख सकते हैं कुछ इतना पेज बन गया, उसको एंटर प्रेस कर देना है आपको। यहाँ से एक नया पेज को ओपन कर दीजिएगा। यहाँ से जब नया पेज ओपन हो जाए उसको जहाँ से आप डोल से कलर को फिल करते हैं, ये फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करिएगा। यहाँ से आप कलर रेड एंड वाइट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि रेड एंड वाइट रहेगा तो परफेक्टली होगा और सटीक होगा। उसके बाद आपको कहीं साइड में कुछ इस तरह ड्रॉप कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं इधर रेड हो गया, इधर वाइट हो गया। अब इसको हमको मैनेज करना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल अल्ट दबाकर जी बटन प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मूव टूल पर हम क्लिक किए, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, थोड़ा डीप हो रहा है यहाँ पे। अब इतना भी इसको हम रख लिए, दोनों को यहाँ पे शिकड़ लगाएंगे और कंट्रोल ई कर देंगे ताकि एक साथ अटैच हो जाए। अब यहाँ से फिर से इसको कंट्रोल जे करना है एंड कंट्रोल टी करना है, लेफ्ट क्लिक और सेकेंड नंबर पे क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं इधर से कुछ रेड हो गया, इधर थोड़ा डीप हो गया, इंटर बटन प्रेस कर दिए। अब यहाँ पे सेलेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे, कुछ इतना पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, साइड में क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं इसमें थोड़ा लाइनिंग आ गया। इस दोनों को फिर कंट्रोल ई करके एक साथ मर्ज कर देंगे। स्टिकर लगाने के बाद कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे, हल्का इसको पतला कर दे रहे हैं एंड एंटर बटन प्रेस कर दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ये बन के रेडी हमारा हो गया। अब इसको जहाँ रखना है वहाँ इसको सेटअप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कंट्रोल जे करना है एंड कंट्रोल टी करना है। ये डॉट को आपको नीचे लाना है, लाने के बाद इसको आपको कुछ इतना पे मूव कर देना है, उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है, उसके बाद कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ बार बार टी बटन प्रेस करना है। अब देखिए ये कुछ इतना भी बन के रेडी हो गया। उस पर से नीचे ले पूरे सिक्कड़ को अटैच कर देंगे, नीचे वाले सिंपली एक बैकग्राउंड लेयर को छोड़कर। उसके बाद कंट्रोल ई कर देंगे, कंट्रोल टी, शिफ्ट और अल्ट दबाकर इसको छोटा कर देंगे ताकि परफेक्टली छोटा हो और कोई दिक्कत इसमें ना हो। अब इतना जब बन जाए अब आपको करना ही है कि कंट्रोल जे करना है एंड कंट्रोल टी करना है। यहाँ से इसको हल्का सा मूव कर दीजिए इतना पे, एंटर बटन प्रेस कीजिए एंड कंट्रोल ई बटन प्रेस कीजिए, इसको कुछ कलर को चेंजेस कर सकते हैं। सो फिर कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, इसको हल्का सा मूव कर देंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, इसका कलर को चेंज कर देंगे। इसी तरह आपको 5-6-7 बार रिपीट कर देना है। चलिए इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। अब देखिए कुछ इतना पे तो हमने रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद जितना इधर लेयर ओपन है इस सब लेयर को आपको बंद कर देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस कर देंगे, ये हो जाएगा ब्लैक। उसको जहाँ से हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं एनिमेशन वाले पे क्लिक कर देंगे। इसको हम जूम किए, विंडो बटन पे क्लिक करना है, एनिमेशन पर टिक कर दीजिएगा तो नीचे यहाँ पे एक एनिमेशन ओपन हो जाएगा।
उसके बाद लेयर को आप ओपन कर लीजिएगा, विंडो बटन पर क्लिक कीजिएगा, लेयर पर टिक कर दीजिएगा तो लेयर ओपन हो जाएगा। अब आपको एक आँख को ओपन करना है, फिर नया ऐसे पेज ओपन करना है, फिर ऊपर ओपन नीचे बंद, फिर नया पेज ओपन बंद, इसी तरह इसको सबको ओपन बंद कर देना है। जब पूरी तरह से बन के रेडी हो जाए उसको आप प्ले कर रहे हैं, प्ले करने के बाद अब देखिए कुछ इस तरह एनिमेशन यहाँ पे बन के रेडी हो गया। सो इस तरह आप भी खूब आसानी से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं फ्लावर एनिमेशन को। वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब, इस चैनल पर आपको कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं, जय हिंद, बाय।